Welcome students, a very good morning to one and all. In last session we have covered the almost second unit, that is nothing but the design of IC engine components. तो उसमें हमने क्या देखा, हमने डिज़ाइनिंग की जो भी आपका IC engine components थे, यानी कि पिस्टन की डिज़ाइन किया हमने, सिलेंडर का किया, क्रैंकशाफ्ट का किया, कनेक्टिंग रॉड का किया, ओके. तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की. And from today we will start the third unit, that is nothing but the design of spring. Okay, तो देखें आपका first of all spring की designing में हम लोग move करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि spring होता क्या है आपका. That means पहले हम इसका basic introduction cover करेंगे. देखें spring क्या होता है. A spring is defined as an elastic machine element which deflects under the action of the load and return to its original shape when the load is removed. It can take any shape and form depending upon the applications. कहने का मतलब यह है कि स्प्रिंग क्या है आपका, एक इलास्टिक एलिमेंट है, जो कि क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगी आपका, डिफॉर्म करेगी, या मैं कहूँ रिफ्लेक्ट करेगी, और जैसे ही आप से आपका इसका लोड आप रिमूव करेंगे तो ये अपना ओरिजिनल शेप गेन करती है, ठीक है ना. यानी कि आपका कोई सा भी शेप लेना, ठीक है ना, ये आपका एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे एप्लीकेशन है इसका, उसके बिहाफ में ये शेप गेन कर लेती है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्प्रिंग. देखिए यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग आर एज फॉलोज. स्प्रिंग्स आर यूज टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हीकल सस्पेंशन स्प्रिंग्स हो गया, रेलवे बफर स्प्रिंग है, बफर स्प्रिंग्स इन एलिवेटर्स एंड वाइब्रेशन माउंट्स फॉर मशीनरी. तो ये आपका बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे क्लियर हुआ. सेकंड पॉइंट देखें, स्प्रिंग्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी. स्प्रिंग क्या है आपका, स्टोर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल से स्प्रिंग यूज्ड इन क्लॉक हो गया, टॉयज हैं, मूवी कैमरा हो गया, एंड सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, स्टार्टर्स हैं, इन सब में आपका हम क्या करते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है आपका, और जब आपको एनर्जी की नीड होती है उस टाइम पर एनर्जी रिलीज करती है. ओके, थर्ड वन इज द स्प्रिंग आर यूज्ड टू मेजर द फोर्स. दैट मीन्स फोर्स को आपका मेजरमेंट करने के लिए भी हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे स्प्रिंग यूज्ड इन वेइंग बैलेंस एंड स्केल्स. यानी कि जो आपका वेइंग बैलेंस जो मशीन होती है आपका, बैलेंसिंग के लिए आपका जो मशीन यूज़ करते हैं आपका, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, स्केल्स में करते हैं. ओके, फोर्थ वन इज द स्प्रिंग्स आर यूज टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन. यानी कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए और मोशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. किस तरह से, देयर आर अ नंबर ऑफ स्प्रिंग यूज फॉर दिस पर्पज इन द कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म. स्प्रिंग इज यूज टू मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट्स. इन इंजन वॉल मैकेनिज्म स्प्रिंग इज यूज टू रिटर्न द रॉकर आर्म टू इट्स नॉर्मल पोजिशन व्हेन द डिस्टर्बिंग फोर्स इज रिमूव्ड. ओके, द स्प्रिंग यूज इन क्लच प्रोवाइड्स द रिक्वायर फोर्स टू इंगेज द क्लच इन ऑल दीज एप्लीकेशंस. ओके, द स्प्रिंग इज यूज आइदर टू अप्लाई द फोर्सेज और टू कंट्रोल द मोशन. ओके, तो कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं ये आपने देख लिए. कहीं पे आपको कोई डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की बात करूँगा. तो स्प्रिंग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर शेप. द शेप कैन बी हेलिकल क्वाइल ऑफ वायर, अ पीस ऑफ स्टैम्पिंग और अ फ्लैट वाउंड अप स्ट्रिप. द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्प्रिंग्स इज द हेलिकल स्प्रिंग. सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है आपका वो हेलिकल स्प्रिंग्स है. उसमें भी आपका दो टाइप की है आपका, हेलिकल कंप्रेशन एंड हेलिकल एक्सटेंशन. ओके, क्लियर है. द हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम द वायर, यूजअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. जनरली हम किससे बनता है आपका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से बनता है. ओके, व्हिच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. जिसको हम क्या करते हैं आपका, दोनों एंड पे ब्रैकेट का यूज़ करके कोई रॉड या बार से हम क्या करते हैं उसको, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वही सर्कुलर बार या रॉड है, उसको दोनों एंड से ब्रैकेट अप्लाई करके उसको हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो ये कुछ हेलिक्स फॉर्म लेगा और हेलिक्स क्या करेंगे आपको, यहाँ पे स्प्रिंग फॉर्म करती हैं. ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग हेलिक्स, हेलिकल स्प्रिंग. ओके, ये दो टाइप की होती हैं, कौन कौन से, कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन. देखिए यहाँ पे देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स, कंप्रेशन स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन स्प्रिंग, एज सोन इन एबव फिगर. ओके, यहाँ पे ऊपर दिखाया गया डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बार और, ठीक है. फर्स्ट वन इज द हेलिकल कंप्रेशन, जो कंप्रेसिव लोड बियर करे उसे हेलिकल कंप्रेशन बोलते हैं, और जो टेंसाइल लोड बियर कर सके उसे आपका हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग बोलते हैं. ओके, चलें देखें यहाँ पे. इन हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग द एक्सटर्नल फोर्स टेंड्स शॉर्टन द स्प्रिंग. क्या करता है, हेलिकल जो कंप्रेशन है वहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रिंग को शॉर्ट करने की कोशिश करता है, इसकी लेंथ आपका कंप्रेस करेगा. इन अदर वर्ड्स द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है. इन हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग द एक्सटर्नल फोर्स टेंड्स टू लेंथन द स्प्रिंग. जो आपका हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग में क्या होता है,
जो लेंथ होती है स्प्रिंग की वो एक्सटेंड करती है, या हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, यानी स्प्रिंग को आपको एलोंगेटेड यानी कि लेंथ इंक्रीज हो रही है। इन बोथ केसेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग एंड इंड्यूसेस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इन द स्प्रिंग वायर, यानी कि लोड तो एक्चुअली अप्लाई होता है, ठीक है ना, दोनों ही केसेज में, बट आपका यहाँ पे जो स्ट्रेसेज इंड्यूस होते हैं, कौन से स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं आपका, दैट इज द टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आपका यहाँ पे स्प्रिंग वायर में इंड्यूस करेगा। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल्दो द स्प्रिंग इज अंडर कंप्रेशन द वायर ऑफ द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज नॉट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑल्सो वायर ऑफ हेलिकल टेंशन स्प्रिंग इज नॉट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑल्दो द स्प्रिंग इज अंडर टेंशन, यानी कि मैंने वही बताया पहले ही कि भले ही आपका जो स्प्रिंग वायर है वो आपको भले टेंसाइल लोड लगे या फिर आपका कंप्रेसिव लोड लगे, बट यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आपका जनरेट होंगे वो एक्सियल स्ट्रेस यानी टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस ना हो करके क्या होगा यहाँ पे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके क्लियर है। इन बोथ केसेस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर, द वर्ड्स कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन आर रिलेटेड टू द टोटल स्प्रिंग एंड नॉट द स्ट्रेस इन द स्प्रिंग वायर। ओके इन हेलिकल स्प्रिंग्स द क्वायर्स आर वाउंड टाइटली टुगेदर सो दैट एन इनिशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड बिफोर एक्सटेंशन बिगिंस, यानी कि आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ एक्सटेंशन यदि आप एक्सटेंड करना चाहते हैं मतलब कि एक्सटेंशन को यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपका एक्सटेंड करे स्प्रिंग, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको इनिशियल फोर्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सटेंशन स्प्रिंग आपका एक्सटेंड करेगी। द हेलिकल स्प्रिंग आर समटाइम्स क्लासिफाइड एज क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एंड ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, इसको अलग तरीके से भी क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से, क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एंड ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ओके तो डिफरेंस क्या दोनों में, द डिफरेंस बिटवीन देम इज एज फॉलोज, ए हेलिकल स्प्रिंग इज सेट टू बी क्लोजली क्वाइल्ड स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग वायर इज क्वाइल्ड सो क्लोज दैट द प्लेन कंटेनिंग ईच क्वाइल इज ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो एंगल रहेगा ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पे हेलिक्स की जो एक्सिस है उसके बिल्कुल 90 degrees हो जाए। इन अदर वर्ड्स द हेलिक्स एंगल इज वेरी स्मॉल, इट इज़ यूजुअली लेस देन 10 degrees, यानी कि आपका जो हेलिक्स एंगल होगा वो लगभग आपका 10 degrees से भी कम हो जाएगा। सेकेंड देखिए, अ हेलिकल स्प्रिंग इज सेट टू बी ओपन क्वाइल्ड स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग वायर इज क्वाइल्ड इन सच अ वे दैट देयर इज लार्ज गैप बिटवीन द एडजेसेंट क्वायर्स, इन अदर वर्ड्स द हेलिक्स एंगल इज लार्ज, इट इज़ यूजुअली मोर देन 10 degrees। तो ये आपका जो ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है उसमें जो क्या बोलते हैं, दैट मीन्स जो हेलिक्स एंगल उसकी वैल्यू क्या होती है आपका ज़्यादा रहती है, अप्रॉक्स 10 degrees से तो ज़्यादा ही रहेगा। ओके सो देयर आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग कंपेयर्ड विद द क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स, द एनालिसिस इन दिस चैप्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स। ओके दैट मीन्स CCHS आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। हेलिकल स्प्रिंग कंप्रेशन एज वेल एज एक्सटेंशन हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं ये देखिए जरा आप। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, आप इजीली से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दे आर चीपर देन अदर टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपका काफ़ी सस्ती पड़ती है, आप इजीली इसको मैन्युफैक्चर करके आपका इकोनॉमिकल रहेगा ये। दे आर रिलायबिलिटी इज हाई, आपका रिलायबल भी रहेगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, यानी कि जितना ही फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही आपका स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी। ओके क्लियर है। देखिए यहाँ पे इट इज़ ड्यू टू द एबव एडवांटेज द हेलिकल स्प्रिंग आर पॉपुलर एंड एक्सटेंसिवली यूज इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, तो ये इन एडवांटेजेस के कारण से क्या आपका इस टाइप की जो स्प्रिंग है काफ़ी आपका पॉपुलर है और इसका वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके हेलिकल टॉर्जन, अब ये हो गया हेलिकल कंप्रेशन एंड हेलिकल एक्सटेंशन, अब हम बात करेंगे हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग की। ओके A helical torsion spring is shown in following figure. The construction of this spring is similar to the that of the compression or extension spring. That means बिल्कुल आपका construction features बिल्कुल same लगता है, सिवाय क्या difference है, except that the ends are formed in such a way that the spring is loaded by the torque about the axis of the coil. यानी कि आपका axial force ना लग के आपका twisting force लगता है, यानी कि torque generate होता है। ओके उसके एक्सिस में क्वाइल में क्या होगा, टॉर्क लगेगा। हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग इज यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क टू अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द मशीन और द मैकेनिज्म, यानी कि जहाँ भी आपका टॉर्क ट्रांसमिटिंग आपका रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे क्या करेंगे, हम हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज़ करेंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रिंग शोन इन फॉलोइंग फिगर ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ पिन टू आर, ये देख लें आप यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है आपका, ये आपका हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग है। ओके पिन टू आर, ओके देखें यहाँ पे हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग इज यूज इन डोर हिंजेस, ब्रश होल्डर्स, ऑटोमोबाइल स्टार्टर्स एंड डोर लॉक्स। ओके
The helical torsion spring resists the bending moment P into R, which tends to wind up the spring. यही क्या करता है आपका, ये bending moment कोशिश करता है इसको wind up करने की. ओके, द बेंडिंग मोमेंट induces bending stresses in the spring wire. क्या करता है आपका यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं स्प्रिंग वायर में क्या अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस आपको इंड्यूस करेगा. द टर्म टॉर्जन स्प्रिंग इज सम वॉट मिसलीडिंग, ये भी आपका मिसगाइड करता है. जिससे पहले होता आ रहा है वहाँ पे एक्सियल लोड लग रहा था, लेकिन स्ट्रेस कौन सा जनरेट हो रहा था, सीयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा था. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा आपका, यहाँ पे टॉर्क जनरेट टॉर्क लग रहा है, लेकिन जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है कौन सा हो रहा है आपका, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है. जस्ट आपका कई बार ही मिसगाइड करता है. ओके, द टर्म टॉर्जन स्प्रिंग इज समवॉट मिसलीडिंग बिकॉज द वायर इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग स्ट्रेस अनलाइक टॉर्जनल सीयर स्ट्रेस. टॉर्जनल सीयर स्ट्रेस के बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बेंडिंग स्ट्रेस आपका इंड्यूस होता है. ओके, क्लियर है. अनलाइक टॉर्जनल सीयर स्ट्रेस इंड्यूस इन हेलिकल कंप्रेशन और एक्सटेंशन स्प्रिंग. इट शुड बी नोटेड दैट although the spring is subjected to torsional moment, the wire of the helical torsion spring is not subjected to torsional shear stress, it is subjected to bending stress. तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, हो गया होगा कि दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेलिकल टॉर्जन, हेलिकल कंप्रेशन एंड हेलिकल टेंशन. ओके, ओपन क्वाइल क्या होती है, क्लोज क्वाइल क्या होती है, दैट मीन्स बेसिक आपने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया. आज के लिए इतना ही. ओके, सो थैंक यू सो मच.